हेलो एवरीवन, आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें स्टैट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। पहले हम बात करते हैं, ये जो हमने सिलेबस लिखा है, ये जो एमडी है उसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा डिटेल में देखना है वो हम देखेंगे। पहला जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स का, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं कि पॉपुलेशन क्या, ये क्या, सबका इंट्रोडक्शन जैसा दिया, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है उसके बारे में, तो उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको। देन आता है डेटा, तो डेटा का कलेक्शन कैसे करते हैं, मतलब उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। डेटा का क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या और कोई क्लासिफिकेशन उसका, और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं हम, मतलब क्वालिटेटिव डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, बाई पाई डायग्राम, पिक्टो डायग्राम, मैप से। क्वांटिटेटिव को कैसे करना है, इस तरीके की जो प्रेजेंटेशंस है वो बताई हैं इसमें। तो वो जो टॉपिक है, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। देन है हमारा स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे जो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, या रेशियो स्केल है, किसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, किसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है, किसमें आर्बिट्री जीरो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस कौन सा, डिस्क्रीट कौन सा, डिपेंडेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा कौन सा, डिस्क्रीट डेटा कौन सा, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में वैसे ये सारे हैं, लेकिन जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं उनसे। देन आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल, देखिए अब वहाँ होते हैं हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो कोई क्वेश्चन बहुत कम है कि आपको दिया जाएगा, एक ही आएगा अगर आएगा तो, या ज़्यादा से ज़्यादा आया तो दो। तो उसमें से भी ये जो क्वेश्चन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर लेते हो मीन, मीडियन, मोड को। मीन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वो आपको इसमें से पढ़ लेना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा उलझा हुआ क्वेश्चन, यानी जिसमें बहुत सारी इंटरवल वाला डेटा दे दिया आपको और फिर मीन निकालने को बोल रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं पूछा जाता है, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देन है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आपको जो है वो टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा मेजर्स, किन तरीके से आप वेरिएबिलिटी को मेजर करते हो, तो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, परसेंटाइल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उनकी एक बार जस्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला जस्ट देख लेना है, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, पर पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कौन है, ठीक है। देन आता है प्रोबेबिलिटी, इसमें से प्रोबेबिलिटी के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो आपको पता होने चाहिए। देन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतना ज़्यादा बहुत कुछ ऐसे पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको एक नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है वो पता होना चाहिए, तभी आप जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के हैं वो आपसे पूछा जाएगा, वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। देन है हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बस वहाँ पे बताया है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी में एरर्स बताए गए हैं, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर, ये आप पहले भी रिसर्च में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे स्टैट के फॉर्मेट में लिखा होगा कि टाइप वन और टाइप टू किसे कहते हैं, तो वो भी उस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। देन है हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, में हमारा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन आते हैं, मतलब अगर हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, या कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो इस पैरामेट्रिक में कौन लगेगा, कितने सैंपल साइज होना चाहिए, क्या क्या किसकी प्रॉपर्टीज हैं वो पता होना चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्वालिटेटिव में कौन लगेगा, जब कोरिलेशन दिखाएंगे तब कौन सा कोफिशेंट लगेगा वो आपको पता होना चाहिए, और हर टेस्ट को किसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि टी, इधर टी टेस्ट जो यूज हो रहा है वो इधर भी कौन से टेस्ट से कोरिलेट कर सकते हो आप, और अगर इधर हमें, जब आपके पास नॉन पैरामेट्रिक डेटा हो तो आपको इस, अगर टी टेस्ट की जगह लगाना है, मतलब कंपैरिजन किसका किसके साथ किया गया, अनोवा का किसके साथ, टी टेस्ट का किसके साथ, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टेस्ट किस कंडीशन में कौन सा लगेगा ये पूछा जाता है। देन आता है हमारा
इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे रह गया, कैटेगरिकल जो डेटा है उसका जो है वो एनालिसिस के लिए बताया गया। तो वहाँ पे प्रिवेंशन सॉरी प्रिवेलेंस रेट क्या होता है, इंसिडेंस रेट क्या, ऑड्स रेशो क्या और रिलेटिव रिस्क क्या। ऑड्स रेशो, रिलेटिव रिस्क, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस, इनका जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऑड्स रेशो हम किस तरीके की स्टडीज में फाइंड आउट करेंगे और रिलेटिव रिस्क हमें किस स्टडीज में पता चलेगा वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। देन जो है हमारे कोरिलेशन और रिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोरिलेशन के टाइप क्या हैं, रिग्रेशन के क्या टाइप है। रिग्रेशन के टाइप आप डेटा माइनिंग जब करोगे वहां पे भी आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे सैम्पलिंग, तो ये भी ऑलरेडी आप रिसर्च में कर चुके होंगे क्योंकि सैम्पलिंग में भी सैंपल साइज आप जो है वो कैसे करोगे, प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में लिखा है। और सैम्पलिंग जो टेक्निक्स हैं, मतलब रैंडम, नॉन रैंडम, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, उन सबको यहाँ पे बताया गया। तो ये ऑलरेडी रिसर्च में हो चुका होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इससे भी, ठीक है। फिर वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है चीजों को, जस्ट यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है या रेट को, रेशो को और प्रोपोर्शन को आप कैसे डिटरमाइन करते हो, उनका फॉर्मूला क्या है, जस्ट उतना पढ़ लेना चलेगा। देन स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे कि एक की बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछी जाती है पर स्टेटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कॉमनली, जैसे मिनी टैब है, एक्सेल स्टैट है, ये है SPSS है, SPS है, तो इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं और किस किस कंडीशन में कौन सा होगा, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इन सॉफ्टवेयर का वो आपको पता होना चाहिए। मतलब फुल फॉर्म, इधर से रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन के टाइप कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है कौन सी कंडीशन में कौन सा लगेगा वो आपको पता होना चाहिए, एरर इसमें से पता होना चाहिए, इधर जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टाइप कितने हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है, स्केल्स क्या है, नॉमिनल ऑर्डिनल, और ये आपको पता होना चाहिए, और डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।